फैक्ट नंबर वन, 200 लोहे की टुकड़े की कीमत $5 है। अगर आप इस टुकड़े से घोड़ों के लिए नल बना दें तो इसकी कीमत $12 हो जाएगी। इससे सुइयां बना दें तो इसकी कीमत $3,500 हो जाएगी। और अगर इसी से आप घड़ियों के लिए बैलेंस स्प्रिंग बना दें तो इसकी कीमत $3,00,000 होगी। आपने अपने आप को क्या बनाया है ये अमर आपकी कीमत तय करता है। मिट्टी को बाजार में बेचें तो कीमत बहुत कम होगी। इसी मिट्टी को पकड़कर ईंटें बनाकर बेचें तो कीमत 10 गुना ज्यादा होगी। और अगर इसी मिट्टी को खूबसूरत मूर्ति या मुजस्मा बनाकर बेचें तो लाखों रुपए में बिकेगी। आप खुद को दुनिया में क्या बनाकर पेश करते हैं, एक काम रवायती और मनफी सोच से भरपूर इंसान या फिर एक बेहतरीन मुस्बत और पुरअमन मोहब्बत फैलाने वाले फायदेमंद कीमती तरीन इंसान, फैसला आपने करना है। नंबर टू, दोस्तों आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। दुनिया में अल्लाह ताला की पैदा की गई करोड़ों इकसाम की महलूकात पाई जाती हैं, जिन सब की खुराक एक दूसरे से मुख्तलिफ है और इनमें से कोई परिंदा या जानवर ऐसा नहीं जिस तक अल्लाह पाक ने उसका रिजक ना पहुँचाया हो। अल्लाह पाक की जात तो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क देती है। इसी तरह दोस्तों एक परिंदा है जिसका नाम है इजिप्टन फ्लावर बर्ड, और ये परिंदा मगरमच्छ के मुंह में दाखिल होकर उसके दांतों के साथ लगा हुआ खाना खाता है, जिससे उस मगरमच्छ के दांत भी साफ हो जाते हैं और इस परिंदे का पेट भी भर जाता है। और हैरानगी की बात यह है कि मगरमच्छ इस परिंदे को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। नंबर थ्री, दोस्तों मियां बीवी के दरमियान उलझने और लड़ाई झगड़ा हर माशरे और हर दौर का हिस्सा रही है, और इससे निजात के लिए माहरीन मुख्तलिफ तरीके भी तजवीज करते रहे हैं। हाल ही में बरतानिया में की गई एक तहकीक में बताया गया है कि बीवी एक साल में अपने शोहर से 8,000 मिनट तक उलझती रहती है। बरतानिया में माहरीन ने 3,000 अफराद पर यह तहकीक की और पता चला है कि शोहर की निस्बत बीवी ज्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार रहती है। रिपोर्ट में बताया गया कि हफ्ते में कम से कम 25 मिनट और महाना 11 घंटे बीवी अपने शोहर से लड़ती झगड़ती रहती है। माहरीन का कहना है कि बीवी से इसकी फितरत के मुताबिक ही सलूक किया जाए और यही इस मसले का हल है। फैक्ट नंबर फोर से पहले, अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नंबर फोर, दोस्तों आप में से बहुत से दोस्तों ने टीवी पर तो कईयों ने अपनी रियल लाइफ में एक से एक खतरनाक दिखने वाले और जहरीले जानवरों को तो जरूर देखा होगा। किसी सांप का जहर 1,000 लोगों की जान ले सकता है, तो वहीं एक बिच्छू का जहर 70 करोड़ रुपए फी लीटर बिकता है। लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेने वाला जानवर कौन सा है तो आपको जरूर एक झटका लगेगा, क्योंकि दोस्तों दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर है ये मामूली सा दिखने वाला मच्छर। जी हाँ, कान के पास बिन बनाता हुआ ये मच्छर एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस फैलाने का काम भी करता है और मलेरिया, डेंगू और पीला बुखार जैसी भयानक बीमारियों का जिम्मेदार भी रहा है। जहाँ दोस्तों हर साल ये जहरीले सांप 1,00,000 लोगों की जान लेते हैं, वहीं सालाना 7,50,000 मौतों का जिम्मेदार ये अकेला मच्छर ही है। नंबर फाइव, दोस्तों अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। लेकिन चुकाने वाली बात तो ये है कि वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी सहारा की गर्म मिट्टी हवाओं के साथ मिलकर अमेज़न के हरे भरे जंगलों को भरने का काम करती है। जी हाँ, 2015 में अमेरिकन जियोग्राफिकल यूनियन के एक जर्नल में पहली बार इस बात का खुलासा सैटेलाइट बेस्ड इमेजरी की मदद से किया गया। दरअसल सहारा की तेज गर्म हवाएं अपने साथ डस्ट गुबार लेकर चलती हैं, जो देखते ही देखते धूल के बादलों में बदल जाती हैं और दुनिया की सबसे बंजर जमीन से दुनिया की सबसे जरहेज जमीन की तरफ अपनी ट्रांसअटलांटिक जर्नी पर निकल जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि धूल के इन बादलों में फास्फोरस की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, और जैसा कि आप में से कुछ दोस्त जानते होंगे कि फास्फोरस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, तो यही फास्फोरस अमेज़न की जमीन को और भी जरहेज बनाने का काम करता है और इस तरह सहारा रेगिस्तान अमेज़न के जंगल को मजीद भरने में सपोर्ट करता है। दोस्तों इस फैक्ट से हमें ये पता चलता है कि ये पूरी दुनिया एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड है, वो भी कुदरती तौर पर। नंबर सिक्स, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया के स्टेट राजस्थान के एक गांव में एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जिसे दूध में डालते ही दूध दही में बदल जाता है। जी हाँ, राजस्थान के एक गांव में ये कमाल का पत्थर पाया जाता है जिसे हैबर स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल खूबसूरत बर्तनों को बनाने में किया जाता है और फौरी तौर पर अगर आपको दही की जरूरत पड़े तो इस पत्थर को दूध में डालकर दही जमाया जा सकता है। कुछ लोग इसे मौजदा मानते हैं, लेकिन साइंस का कहना है कि इस पत्थर में बायोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो दूध को दही में बदलने की ताकत रखते हैं। इस इलाके में इस पत्थर से बने ये बर्तन बहुत फेमस हैं और जो भी यहाँ सैर के लिए जाएं वो ये बर्तन जरूर खरीदते हैं। नंबर सेवन,
दोस्तों हमें माजी में बहुत से बादशाह और मलका के बारे में पढ़ने को मिलता है जो अपनी बहादुरी और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। हालांकि इनमें से कुछ मलिका अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम करती थीं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी रानी थी जो गधियों के दूध से नहाया करती थी। इसके लिए वो हर रोज 700 गधियों का दूध मंगवाती थी। इस मलका को ना सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से जाना जाता था बल्कि उसकी जिंदगी भी बहुत अजीब थी। मिस्र की मलिका सैलोपात्रा को खूबसूरती की देवी भी कहा जाता था, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना यही था कि इसकी खूबसूरती का राज इसका गधे के दूध के साथ नहाना ही था। नंबर 8, दोस्तों समंदर से लेकर दरियाओं, झीलों और तालाबों में बेशुमार किस्म की मछलियां पाई जाती हैं, जो हमारी गजाई जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ मुख्तलिफ सूरतों में हमारे लिए मुफीद भी हैं। लेकिन इन रंग बिरंगी और खूबसूरत मछलियों में एक ऐसी खतरनाक मछली भी पाई जाती है जिसे ब्लू फिश कहा जाता है, जो किसी खतरे या शिकार को अपनी तरफ आता देखकर गोल गेंद की मानंद शक्ल इख्तियार कर लेती है। साइंसदानों के मुताबिक इस मछली का पेट काफी लचकदार होता है और वो अपने पेट में पानी जमा करके बाद में फूल जाती है और यूँ किसी शिकार के लिए इस मछली को खाना मुश्किल हो जाता है। इस मछली का ये रूप बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इस हालत में ये मजीद खतरनाक हो जाती है। इस मछली में टेट्रोडोटॉक्सिन नामी एक जहर पाया जाता है जो कि साइनाइड से भी 1200 गुना ज्यादा खतरनाक है। और हैरानकुन बात यह है कि जहरीली होने के बावजूद इसे बाज ममालिक में शौक से खाया जाता है। तहम इसे माहिर बावर्ची ही तैयार करते हैं और काटने के बाद इसकी सफाई पर खास तवज्जो दी जाती है। नंबर 9, दोस्तों बचपन में हर बच्चा चूसनी जरूर पीता है। बच्चा जब रोता है तो माएं उसके मुंह में चूसनी डाल देती हैं, जिससे वो चुप हो जाते हैं। आप सब ने ये मिसाल तो सुनी होगी कि फलां आदमी का बच्चा मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों के बच्चे सच में मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। ये जो सोने की चूसनी आप देख रहे हैं, ये सुओमो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। बच्चों की ये चूसनी 18 कैरेट गोल्ड से बनी होती है और इसे मजीद डेकोरेट करने के लिए इस पर डायमंड्स भी लगाए जाते हैं। इसका पूरा डिजाइन हाथ से बनाया जाता है और इसे बनाने का मकसद ये था कि बिलियनर के बच्चे भी रिच फील कर सकें। इसके अलावा अगर बच्चा ये चूसनी ना पिए तो ये डायमंड से बना हुआ अलहदा हो जाता है और बच्चे की माँ इसे लॉकेट के तौर पर यूज कर सकती है। ये दुनिया की सबसे महंगी चूसनी है जिसकी कीमत 1,85,00,000 से भी ज्यादा है। नंबर 10, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पिंक लेक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक में से एक मानी जाती है। पिंक लेक अपने गुलाबी रंग की वजह से बाकी लेक्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा यूनिक भी है। लेकिन कनाडा के कस्बे ओसोयस में एक ऐसी लेक मौजूद है जिसके अंदर छोटे छोटे रंग बिरंगे पूल्स बने हुए हैं, इसीलिए इसे स्पॉटेड लेक कहा जाता है। स्पॉटेड लेक इतनी खूबसूरत है कि अब ये एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। 200 माहरीन के मुताबिक इस लेक में 8 मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसा कि सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और सिल्वर वगैरह। वैसे तो ये लेक बाकी सीजन में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप की वजह से जब इस लेक का पानी खुश्क हो जाता है तो इसमें मौजूद छोटे छोटे पूल्स नुमाया नजर आते हैं और हर पूल का कलर दूसरे से डिफरेंट होता है। जिस पूल में जो भी मिनरल मौजूद हो उसी के मुताबिक उसका कलर होता है। दोस्तों इस लेक के बारे में हैरानगी की बात यह है कि पहली जंग अजीम के दौरान इस लेक में मौजूद मिनरल की मदद से डिफरेंट एक्सप्लोसिव वेपन तैयार किए जाते थे और हर रोज तकरीबन 1 टन नमक इस लेक में से निकाल कर कैनेडा के डिफरेंट फैक्ट्रीज में सप्लाई किया जाता था। अगर आप इस लेक में नहाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये लेक नहाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें मौजूद मिनरल्स इंसानी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।